अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। अक्सर एक कॉल आता है कि रेसिडेंस के लिए तो वीडियोस बनता है, ये पहला वीडियो है जो मैं शॉप के लिए बनाना चाह रहा हूँ। शॉप जो है वो नियर अबाउट 1.5 करोड़ से 1 करोड़ के बीच में आती है, बट मेरे पास ये ऑलमोस्ट 33 लाख से स्टार्ट हो, सिर्फ 33 लाख रुपए में शॉप मिलेगा, वो भी सहूलत के साथ, 5 लाख डाउन पेमेंट, 25,000 महीना ईएमआई, वो भी बिल्डर लोन या बैंक लोन भी अवेलेबल है, लेकिन बिल्डर की तरफ से नो इंटरेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। ये लोकेशन जो है नियर मुमरा पुलिस स्टेशन है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, जिसमें 400 टू 500 यूनिट्स आने वाले हैं। इसके सामने से मेन रोड जाने वाला है 9 मीटर का। शॉप्स की हाइट 16 टू 18 फुट है, उसके अंदर भी मेज़नाइन स्लैब बिल्डर की तरफ से दिया गया है, और इसके अंदर कॉम्बो ऑफर भी अवेलेबल है। कॉम्बो ऑफर जानने के लिए, ज्यादा जानकारी जानने के लिए इस नंबर पर कॉल करें, कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करें। मैं सामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। गोवंडी शहर में एक हत्या का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि 3 नाबालिग लड़कों ने एक 18 साल के युवक की चौपर मारकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी है। हत्या की एक वीडियो भी सामने आई है, मगर हम आपको गाइडलाइन के अनुसार वो वीडियो नहीं दिखा सकते हैं। मृतक का नाम मोहम्मद अहमद मोहम्मद सईद पठान, उम्र 18 साल बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार अहमद का उन तीनों युवकों से कई दिनों से नोक झोंक हो रही थी, मगर रविवार की रात में चौपर से अहमद पर हमला कर दिया गया। कई बार इस पर वार किया गया, और इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और अहमद को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को हिरासत में लिया है। मृतक अहमद के भाई मोहम्मद सगीर मोहम्मद सईद पठान ने इस हत्या को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, आपको सुनाते हैं। मेरा नाम बताओ। मेरा नाम है मोहम्मद सगीर मोहम्मद सईद पठान। कल जिसकी हत्या हुई उसका नाम क्या है और वो आपका क्या लगता है? वो मेरे भाई का नाम है मोहम्मद अहमद मोहम्मद सईद पठान, वो मेरा भाई है। उसकी हत्या क्यों हुई और किस हत्या तो बताया आपको मैंने कि वो उससे हमेशा झगड़े करता था, साहिल नाम का जो व्यक्ति है वो हमेशा झगड़े करता था, कुछ ना कुछ बात पर, कुछ ना कुछ उसकी कंपनी का कुछ तो है, बच्चों में वो होता था, हाथापाई हुई थी। पुलिस स्टेशन गए थे हम, जब भी उधर पे समझौता हुआ था, और उसके बाद इन्होंने ऐसा हत्या कर दी उसकी। किस चीज़ से उसकी हत्या की गई? सलवार से की गई है, चौपर से की गई है, वीडियो में दिख रहा है बाकायदा। कौन कौन दिख रहा है वीडियो में, किसने मारा है इसे? वीडियो में तो साहिल दिख रहा है। हाँ। और वो मर्डर के फ्राक में मारा गया है। अच्छा, तो किसने करवाया? ये बुट्टू ने ही करवाया है, क्योंकि बुट्टू ने मुझे 7 तारीख को कॉल किया था और 10 तारीख को उसने अंजाम दे दिया। अच्छा, कॉल करके क्या बोला आपको? मुझे बोला तो बहुत वो तुम लोग बहुत वो बन रहे हो, भाई बन रहे हो, बदला बदला खेल रहे हो, मैं करूँगा ना तो बहुत भारी पड़ेगा, तुम लोग को शॉट दिलवाता हूँ, काम पटवाता हूँ। मतलब जब उसने आपको कॉल किया तो आपने इसकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में की थी क्या? कुछ नहीं, पुलिस स्टेशन हम गए थे, मगर वहाँ पे पता है ना आपको, आप वो इतना बड़ा व्यापारी है नशे का इधर के, उसकी को हमारी कोई किसी की सुनवाई नहीं, हमारी तो बहुत दूर की बात है। प्रशासन से अभी क्या चाहते हो आप? प्रशासन से हम यही चाहते हैं कि हमारे भाई को इंसाफ मिले और यहाँ के लोगों के अंदर जो दहशत का माहौल बना है वो ख़त्म हो, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो।